समंदर के सिकंदर की ये तस्वीर खुद ब खुद हिंदुस्तान के हौसले की गवाही दे रही है। ये तस्वीर दुश्मन को खौफजदा करने के लिए काफी है। ये तस्वीर है दुनिया के सामने बढ़ते हुए हिंदुस्तान के कद की। ये तस्वीर है उस भरोसे की जो ये एहसास दिलाता है कि हम पूरी तरह महफूज हैं। जी हाँ, कुछ ऐसा ही परिचय है INS विक्रमादित्य का। INS विक्रमादित्य के नौसेना के बेड़े में शामिल होने के बाद नौसेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये जंगी पोत कई सारी खासियतों को अपने अंदर समेटे हुए है। आइए आपको बताते हैं INS विक्रमादित्य की खास बातें क्या है। दरअसल INS विक्रमादित्य समंदर पर चलता फिरता अभेद्य किला है। ये 283.5 मीटर लंबा यानी फुटबॉल के 3 मैदान के बराबर है। INS विक्रमादित्य 20 मंजिला इमारत जितना ऊंचा युद्धपोत है, जो कि 44,500 टन भारी है। भारतीय नौसेना का सबसे लंबा और विशाल युद्धपोत सागर सम्राट है INS विक्रमादित्य। भारतीय नौसेना की शान INS विक्रमादित्य विमान वाहक युद्धपोत है। विमान वाहक युद्धपोत यानी ऐसी विशाल जहाज जिस पर तैनात लड़ाकू विमान दुश्मन पर आफत बनकर टूट पड़ते हैं और उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। INS विक्रमादित्य की बदौलत भारतीय नौसेना अपने समुद्री किनारे से बहुत दूर जाकर भी कार्रवाई कर सकती है। INS विक्रमादित्य 16 नवंबर 2013 को रूस के शेवमास शिपयार्ड में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया। रूस ने डीकमीशन हो चुके एडमिरल गोर्शकोव नाम के अपने जहाज को भारतीय नौसेना की जरूरत के हिसाब से एक ताकतवर हथियार में बदल दिया। INS विक्रमादित्य भारतीय नौसेना के लिए ही नहीं बल्कि समूचे देश के लिए गौरव का विषय है। दरअसल भारत दुनिया के नक्शे पर तेजी से एक महाशक्ति के तौर पर उभर रहा है। अपनी आर्थिक ताकत को और मजबूत करने के लिए उसे अपनी ऊर्जा जरूरतों और उसके रास्तों को सुरक्षित रखना जरूरी है। इस मकसद को हासिल करने के लिए भारतीय नौसेना का हिंद महासागर पर दबदबा जरूरी है। INS विक्रमादित्य इसी लक्ष्य को पूरा करने में अहम किरदार निभाएगा। यही नहीं, युद्ध की स्थिति में ये जहाज दुश्मन के लिए बुरा ख्वाब बन जाने की हर ताकत से भी लैस है। विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य 30 लड़ाकू जहाज ले जाने की क्षमता से लैस है। इस पर मौजूद चौथी पीढ़ी के लड़ाकू विमान MiG-29K इसका सबसे बड़ा हथियार है। इस पर 6 कोमोव 31 हेलीकॉप्टर भी तैनात रहेंगे जो इसे पनडुब्बी हमले से भी बचा सकते हैं। विक्रमादित्य 6 नली वाली AK-630 तोप से लैस है। जमीन से हवा पर मार करने वाली बराक मिसाइल इसे दुश्मन के लड़ाकू जहाज से बचाएंगे। 30 नॉट यानी 56 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बहुत तेजी से युद्ध क्षेत्र तक पहुंच सकता है। इस पर लंबी दूरी के अत्याधुनिक एयर सर्विलेंस रडार लगे हुए हैं, जो इसे दुश्मन के हमले से सावधान करते हैं। अपने रडार प्रणाली से विक्रमादित्य अपने चारों तरफ 500 किलोमीटर के रेडियस में समुद्र की 10 दिशाओं पर नजर रखता है। MiG-29K विमानों के जरिए आसमान पर 2000 किलोमीटर की दूरी तक दबदबा और समंदर में एक बार में 45 दिन तक रहने की क्षमता। जाहिर है INS विक्रमादित्य समंदर में जिस जगह खड़ा हो जाता है उसके वहां उसका राज कायम हो जाता है। यही वजह है कि INS विक्रमादित्य को गेम चेंजर यानी तस्वीर बदल देने वाले ताकत की तौर पर देखा जा रहा है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।